हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा यूट्यूब चैनल अनुपशी किचन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए देखते आज क्या बनाते हैं। तो आज हम लिए हैं मछली 700 ग्राम जैसा, और ये मछली बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। लिए है बारीक कटा हुआ प्याज, कुछ टमाटर, एक बड़ा साइज का 2 टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक कुटा हुआ जो हम लोग पीस लेंगे, और हरा धनिया। एक्चुअली आज 2 डिश बनाने वाले हैं। जो मछली का जो ये तेल होता है उसको हम लोग फ्राई करेंगे, तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहले तो मछली को थोड़ा हल्दी और नमक से मैरिनेट करेंगे। थोड़ा सा हल्दी, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, तो इसको हम लोग अच्छे से हाथों से मिसेंगे। तो देखिए मेरा मछली अच्छे से हल्दी नमक से मिस गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा टाइम ऐसे ही रखते हैं। मसाला के लिए थोड़ा सा प्याज, जो कुटा हुआ अदरक था उसी को हम लोग डालेंगे, और कुछ हरी मिर्च, तो इसको हम लोग पीस लेंगे। तो देखिए मेरा मसाला पीस गया है, तो उसे में हम तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिए थे। तेल मेरा गरम हो गया है, तो इसी में हम लोग मछली को फ्राई कर लेंगे। तो मछली फ्राई होते होते देखिए कुछ मसाला हम लोग लेंगे, पाउडर मसाला। कटोरी में हम लोग 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। फिर इसको हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और इसको ऐसे थोड़ा मिला लेंगे।
तो इसी मसाला को हम लोग मछली में यूज़ करेंगे। तो देखिए मेरा मछली एक तरफ से थोड़ा सा भूज गया है। इसी तरह हम लोग सब मछली तेल में फ्राई कर लेंगे। देखिए मेरा मछली सब भूज गया है। तो पहले हम लोग जो मछली का तेल रखा हुआ था इसको बनाएंगे। तो मछली का तेल फ्राई करने के लिए इतना तेल नहीं चाहिए होगा, तो थोड़ा तेल हम लोग निकाल लेते हैं, फिर जाके मछली का झोल बनाएंगे। आज झोल बनाएंगे मछली का। तो जो तेल का फ्राई है बहुत कम समय लगता है बनने में। और उसमें कुछ मसाला या कुछ नहीं चाहिए होता है। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाले हैं। तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे प्याज, और जो हरी मिर्च हम काट के रखे थे बीच से वो डाल देंगे। बिल्कुल झट से बन जाएगा देखिएगा, और गरम गरम चावल के साथ खा के देखिए कैसा बन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और खास करके जिंदा मछली का तेल। तो इसमें हम लोग सिर्फ नमक और हल्दी ऐड करेंगे और कुछ नहीं। स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी। तो उसको हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो देखिए मेरा प्याज जो हल्का सा फ्राई हो गया है, तो उसी में हम लोग वो मछली का तेल तो डाल देंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पूरा अच्छे से लाल होने तक फ्राई करना है। तो देखिए मेरा मछली का तेल फ्राई हो गया है अच्छे से। इसको हम लोग निकाल लेते हैं। फिर बनाएंगे मछली का झोल। देखिए बहुत कम तेल डाला था, तेल छोड़ दिया क्योंकि मछली का तेल में ऑलरेडी तेल रहता है। तो देखिए मेरा मछली का तेल बन गया है। तो अभी हम लोग मछली का झोल बनाएंगे। जो तेल निकाल के रखे थे उसी तेल को हम लोग यूज़ करेंगे।
तो पहले तो हम लोग आलू फ्राई कर लेंगे। आलू देके जो झोल बनेगा तो हम आलू पहले से ही काट के रखे थे, उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के रख दिए थे, तो उसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो वो आलू को अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मेरा आलू अच्छे से फ्राई हो गया है, तो उसको निकाल लेते हैं। आलू देखिए हम लोग सब निकाल लिए हैं, तो उसी बचा हुआ तेल में हम लोग ऐड करेंगे कालो जीरे। देखिए थोड़ा सा काला जीरा, और जो पिसा हुआ मसाला था थोड़ा सा अदरक, प्याज, थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च, इसको हम लोग डाल देंगे। तो इसको थोड़ा ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे अच्छे से, फिर दूसरा मसाला देंगे। तो देखिए मेरा प्याज और मसाला हल्का सा फ्राई हो गया है, तो उसी में हम लोग जो रखे थे मसाला भिगा के, पाउडर मसाला, हल्दी, जीरा, धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, उसको हम लोग डाल देंगे। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए मेरा मसाला लगभग पक गया है, तो इसमें हम लोग डालेंगे कटा हुआ टमाटर, और दो हरी मिर्च, इसको हम लोग फिर से भूनेंगे अच्छे से, और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो उसी में हम लोग ऐड कर देंगे जो आलू भुजा हुआ आलू रखा हुआ था, उसको ऐड कर देंगे। ये सबको अच्छे से
दो से तीन मिनट अच्छे से पकाएंगे, भुजेंगे। तो देखिए मेरा आलू मसाला सब अच्छे से भूज गया है, फ्राई हो गया है। तो उसी में हम लोग पानी ऐड करेंगे। पानी आप लोग अपना हिसाब से डालिए, कितना झोल चाहिए नहीं चाहिए। थोड़ा सा और पानी डालेंगे क्योंकि ये आलू अच्छे से उबाल पकेगा, अच्छे से दो तीन मिनट इसको उबालेंगे। देखिए मेरा झोल में उबाल आ गया है, देखते हैं आलू पका है कि नहीं, गला है कि नहीं। आलू मेरा अच्छे से गल किया है, दो तीन मिनट जैसा उबाल भी किया है। तो उसी में हम लोग ऐड कर देंगे मछली जो पहले से भुजा हुआ है। मछली देखें ज़्यादा चलाना नहीं है क्योंकि मछली टूट जाएगा, तो उसको हम लोग फिर से ढक के और एक दो मिनट जैसा पका लेंगे। दो मिनट हो गया है, चलिए देखते हैं। देखिए मेरी मछली लगभग बन के तैयार है, आलू भी मेरा अच्छे से गल गया है। तो उसी में हम लोग डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। देखिए मेरा सब्जी मछली का झोल बिल्कुल तैयार है, आप लोग भी ऐसा बना के देखिए कैसा बनता है। तो चलिए सर्व करके दिखाते हैं चावल के साथ। तो देखिए मेरा सब्जी गमला में सर्व कर लिया है, चलिए सर्व करते हैं चावल के साथ। आप लोग भी ऐसा बना के देखिए, आप लोग भी मेरे जैसा मछली का झोल बना के देखिए, चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरा चैनल को। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।